सो हेलो गाइज, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन। अगेन हमारे पास एक काफ़ी इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें बोला हुआ है कि एक्सप्लेन करना है कि जो नंबर है, यहाँ पे देखिए पहला नंबर ये रहा, दिस इज़ द फर्स्ट नंबर एंड दिस इज़ द सेकेंड नंबर, और दोनों केस में हमें बोलना है, बताना है कि ये क्या है, कैसे नंबर ये कंपोजिट है, और बताना है कि क्यों कंपोजिट है। ठीक है, कंपोजिट तो ये है ही, बट वी हैव टू रीजन इट वाई। तो देखिए, कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या होती है आप बताइए। देखिए, प्राइम क्या होता है, सबसे पहले तो आप प्राइम बताइए, कंपोजिट आप बाद में बताना। सो प्राइम क्या होता है, प्राइम आपने पढ़ा हुआ है, प्राइम वो नंबर होते हैं जिनका फैक्टर क्या हो क्या होता है, एक तो वो खुद फैक्टर होते हैं, ठीक है, और उनका एक और फैक्टर क्या होता है, वन, जैसे 23 के क्या फैक्टर हो जाएंगे, एक तो वो खुद होगा 23 और एक होगा 1। मैं 5 की बात करूँ तो 5 के क्या क्या फैक्टर होंगे, एक तो 5 खुद होगा और एक 1 होगा, इसके अलावा और कोई फैक्टर ढूंढ लो आप, नहीं मिलेगा। ठीक है, तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो जिनके फैक्टर सिर्फ 2 होते हैं, कौन कौन से, एक तो वो खुद और एक 1 होता है। अच्छा, आपको ध्यान रखना है, जो 1 होता है वो प्राइम नहीं होता है, ना ही वो कंपोजिट होता है। ठीक है, 1 जो है आपका ना प्राइम होगा ना कंपोजिट होगा, बिल्कुल आप इस चीज़ को दिमाग में बिठा लेना। 1 ना ही आपका प्राइम नंबर होगा, ना ही 1 कंपोजिट नंबर होगा। प्राइम नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं, ये 2 से स्टार्ट होते हैं, 2, 3, 5, 7, 9 होगा क्या, 9 नहीं होगा, ओके, सो 11 यहाँ पे, देन वी हैव 13 एंड सो ऑन। ये आपके कैसे नंबर है, प्राइम है। अच्छा, ये नंबर अगर प्राइम हुए तो इनको छोड़ के जितने भी नंबर होंगे बाकी के, वो कैसे हो जाएंगे, कंपोजिट। तो देखते हैं, शुरू से इनको छोड़ के ले लो, तो इनको छोड़ के 1 लेके अपन, नहीं 1 नहीं लेंगे, बिकॉज 1 ना ही प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है, आप इसे किसी में भी नहीं लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे कंपोजिट में क्या आ जाएगा, सबसे पहला नंबर 4, देन वी हैव 6, और क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, ठीक है, 12 हो जाएगा, यहाँ पे 14 हो जाएगा, ये कैसे नंबर हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे कंपोजिट, यह समझ में आपको, और ये प्राइम। ठीक है, तो मैंने प्राइम की डेफिनेशन बता दी, जिसके फैक्टर खुद होते हैं और 1 होते हैं तो वो प्राइम हो जाएंगे, और उनको छोड़ के बाकी नंबर कंपोजिट, ये दूसरा पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या, 1 ना ही प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है, तो ये 3 पॉइंट आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। तो चलिए, अब क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन आपके पास, देखिए 7 × 11 × 13 + 13, इसे मैं क्या करता हूँ, इसमें से ना मैं इस इतने पोर्शन में से, देखो आप, मैं यहाँ पर अंडरलाइन कर रहा हूँ, मैं इतने पोर्शन में से ये रहा पहला पोर्शन और ये रहा दूसरा, इन दोनों में से मैं क्या कॉमन ले रहा हूँ, 13। तो देखिए, जैसे ही मैंने 13 कॉमन लिया तो यहाँ पे अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ पे सिर्फ 7 × 11 बचेगा, क्योंकि 13 तो मैंने बाहर ले लिया है, तो 7 × 11 बचा ब्रैकेट के अंदर। अच्छा, यहाँ पे क्या बचा, ये देखिए प्लस में यहाँ पे क्या बचा, ये रहा प्लस का साइन, और यहाँ 13 आपने यहाँ से निकाल लिया था, तो यहाँ पे 1 बचा है। तो चलिए ठीक है, यहाँ पे मैं से लिखता हूँ 13 × ये 7 × 11 हो गया, ये कितना हुआ, 7 × 11 विच इज 77 + 1, तो ये हो गया 78। तो ये जो भी नंबर आ रहा है, मुझे नहीं पता मल्टीप्लाई करवाने के बाद ये नंबर क्या आएगा, मुझे बस ये चीज़ समझ में आ रही है कि इस नंबर का एक 13 एक फैक्टर है और 78 फैक्टर है। ठीक है, इसका 13 एक फैक्टर और एक फैक्टर क्या है, 78। लेकिन प्राइम नंबर की डेफिनेशन से मुझे क्या मिलता है कि प्राइम नंबर का एक तो खुद का फैक्टर होना चाहिए, इटसेल्फ एक खुद होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, 1, ये 2 फैक्टर होने चाहिए। इसके अलावा कोई और फैक्टर हुआ तो वो नंबर क्या कहला जाएगा, कंपोजिट, और यही हो रहा है बिल्कुल इस केस में। यहाँ पे आपके पास देखिए इटसेल्फ तो होगा, ये इटसेल्फ इसका फैक्टर होगा, मतलब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाओगे तो जो नंबर मिलेगा वो खुद का फैक्टर तो होगा, साथ में इसका 1 भी फैक्टर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इसके साथ एक्स्ट्रा 13 भी इसका फैक्टर आ रहा है, 78 भी फैक्टर आ रहा है, 1 भी आएगा, साथ ही साथ जब दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करवा दोगे तो जो भी नंबर आएगा वो भी इसका एक फैक्टर आएगा, तो ये तो क्या हो गया, कंपोजिट, बिकॉज 1 और खुद के अलावा इसके बाकी के भी 2 फैक्टर हैं, तो ये कैसा हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। तो समझ में आया आपको ये। चलिए, सेम मेथड से सेकंड वाला करना है आपको, इतने पोर्शन में से, और ये देखिए ये रहा मल्टीप्लाई यहाँ तक है, ठीक है, और ये रहा 5, इसमें से आप 5 कॉमन ले बाहर, तो आपने 5 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा, 7, 6, 4, 3, 2, 1, सो 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1, और प्लस में यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ से भी 5 कॉमन लोगे तो 1 बचेगा यहाँ पे। तो चलिए अब इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, ये 7 × 6 क्या हो गया, ये हो जाएगा 42, ठीक है, 42 × 4, ठीक है, × 3, चलिए यहाँ से मल्टीप्लाई करवाते हैं, ये इजी होगा, सो 3 × 2 हो गया 6, एंड 6 × 4 इज 24, ओके, 24 × 6 कितना हो जाएगा, ये देख लेते हैं,
ये हो गया 144। सो देखिए 24 इंटू 6 हो गया 144 इतना, और 144 इंटू 7 करवाएंगे, सो 7 4 जा 28, सो 8 और यहाँ पे 2, 7 4 जा 28, 28 प्लस 2 इज 30, सो 03, देन 7 1 जा 7 प्लस 3 विच इज 10, सो ये आ गया 1008, सो 5 इंटू 1008 और प्लस 1 है, सो 1009 हो जाएगा ये। तो अब देखिए अगेन आपके पास दो नंबर आ गए, अब इस इन ये जो सॉरी दो नंबर नहीं है, एक ही नंबर है मल्टीप्लाई करवाने के बाद, तो इसके फैक्टर क्या होंगे आप मुझे बताइए। इसका एक फैक्टर मुझे 5 दिख रहा है, एक फैक्टर मुझे 1009 दिख रहा है, ठीक है, एक मिनट मैं इसे ऐसे लिख देता हूँ, चलिए इनके मैं फैक्टर देख रहा हूँ, तो 5 एक फैक्टर, एक 1009 है, और एक क्या हो जाएगा, एक तो आपका हो जाएगा 1, ठीक है 1 इसका फैक्टर होगा, और एक तो ये खुद नंबर जो ये नंबर मल्टीप्लाई करवाने के बाद आएगा, देखिए कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, 9 5 45, सो 5 एंड देन वी हैव 4, यहाँ पे 4 आ जाएगा और 5000, सो ये हो जाएगा 5045। तो देखिए इसके कितने फैक्टर आ रहे हैं टोटल, 4, जो कि प्राइम नंबर तो हो नहीं सकता, प्राइम होता तो इसके सिर्फ कौन कौन से फैक्टर होते, ये वाले और ये वाले, बट कंपोजिट है इसीलिए इसके पास इन दोनों के अलावा भी कोई फैक्टर है, सो नंबर कैसा हो गया ये कॉम्पोजिट, ठीक है, आप इसमें लिख दोगे कि दिस नंबर हैज़ मोर देन टू फैक्टर, और है ना मोर देन फैक्टर कौन से, टू फैक्टर, इसके अलावा ये भी दो फैक्टर है मेरे पास, ठीक है, दैट्स वाई दिस नंबर इज कॉम्पोजिट। सो होपफुली गाइज आपको ये समझ में आया होगा, सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।